नमस्कार, इंडिया एट नाइन में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और इस वक्त दो खबरों पर हमारी नजर है। पहली खबर, पीएम मोदी दो दिन के मिस्र दौरे पर हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 9:30 बजे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और 10:30 बजे मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से भी मुलाकात वो करेंगे। मिस्र के विचारकों से भी मुलाकात आज ही उनकी होगी, जबकि कल 25 तारीख को भी उनका कार्यक्रम है। दो दिन का कार्यक्रम, जैसे हमने बताया, दो दिन का कार्यक्रम है मिस्र का उनका। और 25 को दोपहर 12 बजे उनकी मुलाकात होगी। वो जाएंगे 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद और उसके बाद हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में, जो पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने वो जाएंगे। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी कल उनकी मुलाकात है। द्विपक्षीय वार्ता होगी 1:30 बजे के करीब। और फिर सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, कृषि क्षेत्र में समझौते की उम्मीद है। कई रणनीतिक साझेदारी के कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर होंगे। 4:30 बजे समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रेस वार्ता होगी और 5:30 बजे वो भारत के लिए वहां से उड़ान भरेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में, और स्कंद त्याल हैं हमारे साथ, पूर्व डिप्लोमैट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वक्त में मुझे लगता है कि शायद इजिप्ट जैसे देश पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर तब जब एक अफ्रीका में एक पुश किया गया है चीन के वहां पर इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए। लेकिन ये जरूर है कि इजिप्ट के साथ पुराने रिश्ते हैं भारत के। बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, 1950 के दशक में नेहरू और नासर और कुछ दूसरे विश्व के नेताओं ने मिलकर एक नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया गया था। तो आज भी मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की कोशिश फिर से हो रही है। भारत का क्या आकर्षण है मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए, ये साफ जाहिर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5 या 8 सालों में दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। G20 में सबसे तेजी से वृद्धि दर है भारत का। पर भारत के लिए मिस्र भी उतना ही आकर्षण रखता है एक तरह से। आप देखें कि सबसे पहले तो वो अरब देशों में सबसे बड़ा देश है, 110 मिलियन लोगों का देश है, और उसका जो स्टेचर है एक तरह से पूरे अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत प्रभावी है जी। और उसके साथ साथ वो एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ता है जी, बिल्कुल। और बिल्कुल आप देखें, एशिया को यूरोप के साथ भी जोड़ता है स्वेज कैनाल के रास्ते से। तो भारत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी महाशक्ति और अर्थव्यवस्था उभरता है, तो मुझे लगता है मिस्र से, इजिप्ट से फिर से दोस्ती करने से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और भारत बड़ी तेजी से हाथ आगे बढ़ा रहा है जी। पिछले ही साल आप देखें कि सितंबर में रक्षा मंत्री और अक्टूबर में हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे। प्रेसिडेंट अल सीसी भारत में आए थे रिपब्लिक डे पर इस साल जनवरी में, और अब प्रधानमंत्री वहां है जी। तो एक तरह से वो 50 के दशक का जो एक दृश्य है, वो मुझे लगता है फिर से तैयार हो रहा है। और बिल्कुल, स्कंद त्याल जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। स्कंद त्याल जी, अभी G20 में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है इजिप्ट को, लेकिन पिछले जो दो बैठक हुए, एक श्रीनगर में और एक गोवा में टूरिज्म पे, उसमें इजिप्ट के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं आए। लेकिन इस सब के बावजूद इजिप्ट जो है वो काफी अहमियत रखता है, जिसको कहते हैं इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, और स्वेज नहर को लेकर बड़ी उम्मीद है एक समझौते पर दस्तखत होंगे। जी हाँ, स्वेज नहर को लेकर उम्मीद है, पर मैं समझता हूँ कि इजिप्ट का स्थान अरब वर्ल्ड में बहुत प्रमुख है, और हम देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति में कुछ देश जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के क्लोज हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते प्रगाढ़ कर रहे हैं। ITU2 अगर देखा जाए, इसराइल, इंडिया, UAE, US, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, और हमने पिछले 1.5 साल 2 साल में बहुत आउटरीच किया है इजिप्ट की तरफ। राष्ट्रपति अल सीसी प्रमुख मेहमान थे 26 जनवरी को, और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, और ये अपेक्षा है, आशा है
जो G20 होगा सितंबर में, उसमें राष्ट्रपति अलसीसी फिर आएंगे। तो जी ये इजिप्ट अरब देशों का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अल अजहर और ये सब यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी जी है, और एक वो बड़ा सेक्युलर देश है इन द सेंस कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से वो लड़ता है। जी और भारत आपने के लिए देखा निश्चित तौर पे बहुत मायने रखता है। इसमें आगे भी हम इस पर जाएंगे, लेकिन जो दूसरी खबर है आज की, वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रूस में जो वैगनर ग्रुप है, जो मिलिशिया एक है, जो भाड़े के लड़ाके जिसको कहा जाता है, वो जो कि रूस के लिए लड़ रहा था यूक्रेन में, अब वो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ उठकर तैयार हो गया। उसके प्रमुख की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लड़ाकों पर रूस की सेना ने हमला किया, रूस ने इसे नकारा है, लेकिन जब इन्होंने ये मांग की कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बात करें, तो ये मना कर दिया गया। अब हालात ये है कि इनके लड़ाके जो हैं वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि पुतिन ने इन्हें जो विद्रोही बोलकर और ट्रेटर बोलकर गलती कर दी है, अब जल्द ही वहां पर दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर है। हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान स्कंत्याल और प्रोफेसर स्वयं सिंह दोनों बने हुए हैं इस वक्त। स्कंत्याल, जो ये स्थिति देखने को मिल रही है, क्या ये वही होगी जो एक्चुअली इस वक्त खबरों में आ रही है, या इसके पीछे भी माना जाता है कि पुतिन जो हैं वो बहुत जो पॉलिटिकल होता है या बहुत मैकिनेशंस जो होते हैं वो उसको करने में माहिर हैं, क्या ये भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता, ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि दोनों येवगेनी प्रिगोजिन और डिफेंस मिनिस्टर शोइगु, ये दोनों राष्ट्रपति पुतिन के ही आदमी हैं। जी बिल्कुल ये डिफेंस मिनिस्टर 2012 से वहां डिफेंस मिनिस्टर है, सरजी शोइगु, और वो देखिए आते हैं सिविल डिफेंस साइड से, तो वो शायद बिल्कुल ब्लू ब्लडेड आर्मी, रशियन आर्मी से नहीं आते, तो वहां कुछ डिसोनेंस हो सकता है। दूसरा प्रिगोजिन तो क्रिमिनल थे, जेलों में रह चुके थे, फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन साहब के बहुत क्लोज आए और पुतिन ने ही उनको यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि वागनर ग्रुप मर्सिनरी ग्रुप है, उसमें 30,000 या 40,000, कोई कहता 50,000 है, उनके पास पैसा सारा रशा देता है, पूरा लड़ने के लिए पूरी इक्विपमेंट, टैंक, एम्युनिशन, पैसा, ये तो प्रेसिडेंट पुतिन ही दे रहे हैं उनको, बिल्कुल और सही कहा सर आपने, बिल्कुल ये तो उन्होंने ही इसीलिए खड़ा किया प्रेसिडेंट और उन्हीं पुतिन के के लिए खिलाफ अब ये तो खड़े हो गए तो हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के जी लिए एक बहुत ही गंभीर मसला है। बिल्कुल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपके पास हम आना चाहते हैं, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया के लिए क्या होगा? ऐसे इसके इम्प्लीकेशंस को देख सकते हैं। एक तो आप देखें कि करीब पिछले 30 वर्षों में, जब से पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, तब से ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का इस्तेमाल युद्ध में शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और अब रूस भी कर रहा है, जी तो उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को युद्ध को जल्दी से खत्म करने में फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो जितनी देर तक युद्ध चलेगा उनकी तब तक आमदनी बनी रहेगी। जी तो वैगनर ग्रुप भी कुछ इसी तरह का है कि वो, हाँ उनको नहीं लगता कि युद्ध को जल्दी से खत्म होना चाहिए, और अब बात यह है कि वैगनर ग्रुप में और राष्ट्रपति पुतिन की सरकार में जो आपस में तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, हाँ जो आज खबरें और अटकलें लग रही हैं कि शायद मिलिट्री का कूप भी कुछ हद तक वहां कोशिश हुई है, उससे कुछ और नहीं तो कम से कम जो कड़ा रुख है, जो एक तरह से जिसको कहेंगे कि बहुत एक तरह से जो सरकार का डर है आम जनता में, वो मुझे लगता है कि और बढ़ेगा। और हालांकि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन को चाहे कुछ बड़ा खतरा ना भी हो, पर इस तरह की कोई यदि कोशिश होती है, जब वैगनर ग्रुप खुलेआम उनको कुछ कहता है इस तरह का, तो उनकी सरकार की मुझे लगता है कि परेशानी जो है वो और बढ़ने वाली है बिल्कुल आने वाले समय में। युद्ध खत्म बिल्कुल नहीं हो रहा है जी और इसके चलते बहुत सी अपोजिशन को शायद वहां दबाया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। जी तो इस तरह की खबरें आने का मतलब यह है कि पुतिन सरकार के लिए चुनौती अंदरूनी तौर पर और बढ़ जाएगी, जबकि बाहर तौर पर तो पूरी सरकार आप बिल्कुल देखें दो तो फ्रंट ऑलमोस्ट पे, सारी मतलब ये पश्चिमी लड़ाई देशों के एक साथ तरह लड़ से रही हो है। जाएगी, यूक्रेन के फ्रंट पे तो चल ही रही है और अंदर भी ये एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। आप दोनों का, स्कंत्याल और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक ऐसा मोड़ है जहां पर पुतिन के लिए काफी मुश्किल इस वक्त है।
नजर आ रही है। और सीधा आपको हम लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां के पीएम, इजिप्ट के पीएम से मिल रहे हैं। ये बैठक हो रही है वहां पर उनके 2 दिवसीय दौरे पर। यहां पर उनकी बातचीत होगी पीएम से और उसके बाद जो भारतीय समुदाय है उनसे पीएम संबोधन उनको करेंगे। तो इस वक्त पीएम जो हैं इजिप्ट के वो बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर आपको बता दें कि सुएज कनाल जो है एक बेहद स्ट्रैटेजिकली बेहद अहम है और यहाँ से जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है करीब 4.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से गुजरता है प्रतिदिन। तो ये अपने आप में एक बड़ी डील हो सकती है और अहम डील हो सकती है। अपने आप में ये शायद इस दौरे की सबसे बड़ी डील हो। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर बाकी भी जो देश के रिश्ते हैं वो यहाँ पर अहम है, जैसे डिफेंस का रिश्ता है, उसके अलावा पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं इजिप्ट के साथ। अभी कुछ वक्त में हमने देखा है कि किस तरह से इंगेजमेंट्स दोनों तरफ से काफ़ी बढ़े हैं। जब प्रेसिडेंट सीसी वहाँ पर यहाँ पर आए थे, दिल्ली आए थे, उसके बाद से दोनों ही देशों में आने जाने का जो हाई लेवल विजिट जो है वो इंटेंसिफाई हुआ, जिसको कहते हैं कूटनीतिक भाषा में, यानी कि यहाँ से भारत से जो रक्षा मंत्री हैं वो गए थे, विदेश मंत्री इजिप्ट गए थे, पर्यावरण मंत्री इजिप्ट गए थे, उधर से भी ऐसे ही विजिट्स का सिलसिला हुआ। और यहाँ तक कि सुएज कनाल को जो ग्रुप जो चलाता है, जो अधिकारी ग्रुप चलाता है, वो भी यहाँ पर कुछ वक्त पहले आया था। आपको हमने बताया कि कैसे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के दौरे पर हैं। वहां पर उनके स्वागत में वहां 9 साल से रह रही भारतीय महिला ने एक गाना गाया। उन्होंने गाया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री इसे सुनकर काफी खुश हुए। ये सुनवाते हैं आपको भी है। इंडिया में कभी आई है? कभी नहीं, कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह। तो मनीष अरोड़ा हैं जिन्होंने ये गाना सुनाया और काफ़ी सुरीली आवाज़ है इनकी। वैसे ये तस्वीर जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं वो मिस्र के पीएम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वार्ता यहाँ पर चल रही है और ये शुरुआती कुछ कार्यक्रमों में से है। ये वार्ता होगी और कल यहाँ पर पीएम जो हैं वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके पहले आज भारतीय समुदाय से भी उनकी मुलाकात होगी, भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करेंगे। फिलहाल ये जो दोनों नेता हैं इस वक्त बात कर रहे हैं और कई अहम मुद्दे हैं यहाँ पर बात करने के लिए। और इनमें से सबसे अहम ये माना जा रहा है कि स्वेज नहर का एक जो समझौता है वो हो सकता है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।